गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 4 में रीवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता जो है उसका फॉर्मेट हम समझेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, जब नया सायदा जब प्रवेश करता है तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है। जब नया सायदा प्रवेश करता है बिजनेस के अंदर तो संपत्ति और असेट्स और लाइबिलिटीज होती है उनके मूल्य में कमी या वृद्धि होती है। उस कमी या वृद्धि को इस अकाउंट में लिखा जाता है और उस कमी और वृद्धि से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुई है वो इसके अंदर शो किया जाता है। इस अकाउंट से जो लाइबिलिटीज और असेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो ये जो अकाउंट है शो करेगा। ठीक है, इसमें इस अकाउंट को आप ध्यान से समझना। ठीक है, इधर लिखा है टू असेट्स अकाउंट, टू असेट्स अकाउंट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। यदि संपत्ति का मूल्य कम हो तो ये किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड की अमाउंट है ना, आइटम्स है, इनको आप ध्यान देना। असेट्स अकाउंट डिक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स, यदि असेट्स के मूल्य में डिक्रीज होती है, कमी होती है तो वो डीआर साइड में आएगा, है ना। और यदि असेट्स के मूल्य में वृद्धि होती है तो बाय असेट्स, असेट्स अकाउंट है ना, कोष्ठक में लिखा है यहाँ पर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है वो आपको किस साइड में लिखना, क्रेडिट में, और कमी हुई है वो किस साइड में लिखना आपको, डेबिट में। ठीक है, जितना जितनी डिक्रीज हुई है, जितना इंक्रीज हुआ है उसी अमाउंट को यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद इधर डेबिट साइड में लिखा है टू लाइबिलिटीज अकाउंट, है ना, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, इंक्रीज यदि लाइबिलिटीज बढ़ती है, यदि लाइबिलिटीज क्या होती है, बढ़ती है तो उसको आपको डेबिट साइड में लिखना है। लाइबिलिटीज में जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, और उसी प्रकार बाय लाइबिलिटीज अकाउंट, है ना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, यदि लाइबिलिटीज के मूल्य में कमी होती है तो वो क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये असेट्स और लाइबिलिटीज का जो है कि फंडा क्लियर है, इसको आप एक बार फिर से समझना। असेट्स के मूल्य में कमी होती है तो टू असेट्स, और यदि वृद्धि होती है तो बाय असेट्स, क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पर असेट्स का नाम लिखाएगा, जो भी असेट्स हो, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, कोई भी असेट्स हो सकती है, तो उसके मूल्य में यदि वृद्धि होती है, वो यदि बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, कमी हुई है तो डेबिट साइड में। लाइबिलिटीज में वृद्धि होती है तो लाइबिलिटीज में वृद्धि होने पर डेबिट साइड में लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, और डिक्रीज यदि होती है लाइबिलिटीज में, कमी होती है तो बाय लाइबिलिटीज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये असेट्स, ये लाइबिलिटीज, ये असेट्स और ये लाइबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, है ना, यदि बैड डेट्स पर यदि रिजर्व बनाते हैं तो उसमें जो बनाते हैं, नया रिजर्व यदि बनाया है उसमें इंक्रीज किया हुआ है, मतलब वो रिजर्व बढ़ रहा है तो डेबिट साइड। ठीक है, और यदि बैड डेट्स रिजर्व डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब पहले से जो रिजर्व बना हुआ है उस रिजर्व को यदि कम कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट साइड में। ठीक है, बैड डेट्स रिजर्व डूबत ऋण पर संचय जब बनाते हैं, बैड डेट्स रिजर्व नया रिजर्व यदि बनाया है तो उसमें वृद्धि हो रही है तो वो डीआर साइड में। ठीक है, और यदि पहले से ही बुक के अंदर रिजर्व बना हुआ है और उसमें यदि कमी की जा रही है, जैसे कि 10% बैड डेट्स रिजर्व बना हुआ है और उस 10% की जगह उसको अब 5% रख रहे हैं, मतलब 5% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जितना कम हो रहा है उतनी रकम को आपको रिजर्व फॉर बैड डेट्स करके क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, यह बैड डेट्स रिजर्व का फंडा क्लियर है। असेट्स का फंडा क्लियर हो गया, असेट्स में वृद्धि होने पर क्रेडिट साइड में,
कमी होने पर डेबिट साइड में, लाइबिलिटीज में वृद्धि होने पर डेबिट साइड में और लाइबिलिटीज में कमी होने पर क्रेडिट साइड में। बैड डेट्स रिजर्व, यदि नया रिजर्व बनाते हैं उस रिजर्व में वृद्धि होती है तो डीआर साइड में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, और यदि कमी हो रही है बने बनाए रिजर्व को यदि कम करें, बैड डेट्स रिजर्व को यदि कम कर रहे हैं तो फिर वो किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, डिक्रीज। यदि जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उस पर यदि प्रोविजन बना रहे हैं और जो उसमें यदि कमी हो रही है, पहले से जो रिजर्व डिस्काउंट पर जो रिसीव हुआ जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट रिसीव होता है उस पर यदि प्रोविजन बना हुआ है और उसमें यदि कमी की जा रही है तो किस साइड में आ जाएगा, डीआर साइड में आ जाएगा। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड इंक्रीज, यदि इंक्रीज होती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, जो डिस्काउंट हमें प्राप्त हो रहा है उसमें यदि कमी हो रही है तो डेबिट साइड में, डिक्रीज है तो डेबिट साइड में, उसमें वृद्धि हो रही है इंक्रीज हो रहा है तो फिर उसको क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड की बात हो जाती है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड यदि हमने हमारे क्रेडिटर्स जो है यदि हमने दिया है, डेब्टर्स ने हमें पेमेंट दिया है और उसको हमने डिस्काउंट देना है भविष्य में, और उस पर यदि रिजर्व बनाते हैं, जो हमें डिस्काउंट देना है उस पर यदि रिजर्व बनाते हैं तो उसका आप देना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। इधर भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड है और इधर भी लिखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। यदि डिस्काउंट अलाउड पर जो प्रोविजन है वो यदि इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में है ना, और यदि वो डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में। अलाउड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड यदि डिक्रीज होता है, कम होता है तो क्रेडिट साइड में, और यदि उसमें वृद्धि होती है तो उसमें इंक्रीज होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड में यदि इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड में यदि कमी हुई है तो डेबिट में, वृद्धि हुई है तो क्रेडिट में, है ना। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड में वृद्धि हुई है तो इंक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड में, और डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइबिलिटीज, सॉरी असेट्स, यहां पर लिखा है असेट्स अकाउंट और कोष्टक में लिखा है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट टू असेट्स, यहां पर असेट्स का नाम आएगा और यहां पर लिखा है अनरिकॉर्डेड, मतलब ऐसी असेट्स जिनका रिकॉर्ड नहीं रखा गया है ना, जिनको बुक के अंदर नहीं लिखा गया है और वो क्वेश्चन के अंदर है तो फिर उसको डेबिट साइड में लिखा जाए। इसमें कमी या वृद्धि का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि उसको लिखा ही नहीं गया है तो फिर उसको लिखेंगे तो असेट्स साइड आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से इधर लिखा है बाय लाइबिलिटीज अकाउंट अनरिकॉर्डेड, यदि लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करके नहीं रखा गया है, कोई ऐसी लाइबिलिटीज जिसको रिकॉर्ड करके नहीं रखा गया है तो वो किस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, मतलब बुक के अंदर उसको नहीं लिखा है और वो बुक के अंदर दी गई क्वेश्चन के अंदर दी है रिकॉर्ड नहीं है तो उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। यानी इसमें कमियां वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, ऐसी असेट्स जिनका लेखा नहीं किया गया है उनको डेबिट साइड में लिखा जाएगा और ऐसी लाइबिलिटीज जिनका लेखा नहीं किया गया है उनको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड का हम टोटल लगाएंगे, डीआर साइड का और सीआर साइड का टोटल लगाएंगे। यदि क्रेडिट साइड का टोटल यदि बड़ा हो तो प्रॉफिट आएगा और डेबिट साइड का टोटल यदि बड़ा हो तो लॉस आएगा। ठीक है, यदि प्रॉफिट है तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ये बैलेंस आया जो खाता का जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पर लिखाएगा, जो कैपिटल अकाउंट है या कोष्टक में लिख देंगे प्रॉफिट, और ओल्ड पार्टनर में रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर में डिवाइडेड होगा, क्योंकि इसके ये कब बनाया जा रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया है अपन, न्यू पार्टनर जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस के अंदर तब तो इस अकाउंट को बना रहे हैं, तो
उसमें जो रिवेल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें नए शेयरधारक का कोई अधिकार नहीं होता, उसके प्रॉफिट पर नए शेयरधारक का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये जो प्रॉफिट है रिवेल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर में डिवाइडेड होगा। उसी प्रकार से यदि लॉस है तो ये भी ओल्ड पार्टनर में ही डिवाइडेड होगी, ठीक है, इसमें न्यू पार्टनर नहीं आएगा। तो ये जो फॉर्मेट है आप अच्छे से लर्न कर लेना। असेट्स का असेट्स के मूल्य में कमी हो तो डेबिट में, वृद्धि हो तो क्रेडिट में। लायबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि हो तो डेबिट में, कमी हो तो क्रेडिट में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में वृद्धि हो तो डीआर साइड में, कमी हो तो क्रेडिट साइड में। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड यदि डिग्री से तो डेबिट में, इंक्रीज है तो फिर क्रेडिट में, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड यदि इंक्रीज है तो डीआर में और डिग्री से तो फिर सीआर, ठीक है। असेट्स जो रिकॉर्ड नहीं, जिनका लेखा बिजनेस के अंदर नहीं किया गया है, अकाउंट में नहीं किया गया है, उनको डेबिट में। लायबिलिटीज का लेखा नहीं किया गया है, जिन लायबिलिटीज को अकाउंट में नहीं लिखा गया है वो क्रेडिट में। और ये ओल्ड पार्टनर में प्रॉफिट डिवाइडेड करते हैं, यदि प्रॉफिट आता है लॉस आती है तो लॉस को जो है ओल्ड पार्टनर में डिवाइडेड करते हैं। ओल्ड पार्टनर याद रखना, न्यू पार्टनर में इसका हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।